मध्य प्रदेश के जिला उमरिया के आंगनवाड़ी केंद्रों से आई हुई रसोइयों ने मानदेय कम मिलने के कारण कलेक्टर से शिकायत की। जिला भर से आई हुई सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी रसोइयों ने अपनी मेहनत का सही मानदेय न मिलने के कारण कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर कलेक्टर को अपनी समस्या बताते हुए शिकायत पत्र प्रस्तुत किया। रसोइयों ने बताया कि उनसे काम लिया जाता है, लेकिन काम के बदले उन्हें उचित हक नहीं दिया जाता है। हर महीने 500 रुपए की रकम उन्हें दी जाती है, वह उचित नहीं है। 500 रुपए से घर कैसे चलेगा? उनके ऊपर आर्थिक संकट आ चुका है, जिससे परेशान होकर वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। वहीं आंगनवाड़ी रसोइयों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर माल सिंह ने बताया कि आंगनवाड़ी रसोइयों का मानदेय शासन से निर्धारित है। जिला स्तर पर मानदेय बढ़ाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन जैसे ही शासन स्तर से इस संबंध में कोई प्रावधान आएगा, हम उसे अमल करेंगे। गौरतलब है कि रसोइयों की मांग अपनी जगह जायज है। 500 रुपए में घर चलाना नामुमकिन जैसा है। इतनी सी रकम में घर पर भुखमरी का संकट फैलना जाहिर सी बात है। रसोइयों की बात पर शासन को ध्यान देना अति आवश्यक है। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। जनसुनवाई में रसोइया जो आई है, उनकी केवल डिमांड ये है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि ये मैटर शासन से स्तर से संबंधित है। ये जिला स्तर पे कोई उनका मानदेय बढ़ाने के हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। उन्हें अवगत करा दिया कि जैसे ही शासन उनका मानदेय जो निर्णय लेता है, उस अनुसार ही दिया जाता है। तो 1000 रुपया भी दिया जाता है, 1000 मिलता है स्कूल में, तो 3-4 महीना में 2000 मिलता है, तो हम कैसे चलें अपने खर्चा पानी। तो इसलिए कलेक्टर साहब के पास शिकायत करने आए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में हमको 500 रुपया दिया जाता है, उसमें हमको क्या पड़ता है सर? हमारे बाल बच्चे कैसे चले? हमारे खर्चा नहीं चल रहा, हमको 2 बज जाता है। हम किसी के काम में जाते हैं सर, तो हमको दूसर कोई तो नहीं लगाएगा, 2 बजे कौन लगाएगा? हमको मजदूरी तक नहीं दिया।